पाप और पुण्य कुछ डिवाइड नहीं है। किसी के लिए जो पाप है दूसरे के लिए पुण्य है। गंदगी चार तरह से ही निकलती है, पसीने से, ब्रीदिंग से, नाक से, श्वास के द्वारा, मल और मूत्र से। गुरु जी को कोटि-कोटि प्रणाम। गुरु जी, मैं ओडिशा से आया हूँ। मेरा नाम रंजीत कुमार सिन्हा है। हमारे डीएनए में चार आदमी है। खुश है बेटा, कैसे हो? अच्छा हूँ। बताइए। ये सब बेटा आपके तमाम तकलीफें थी, कष्ट थे, जो दरबार ने सब नष्ट किए, जो साध्य रोग थे, जो असाध्य हैं, बची हुई स्मृतियां हैं, वो सब कल महावन जब आप करेंगे दरबार की ओर से निशुल्क होता उसमें जाती, ठीक है? आंखों में धुंधलापन, बुद्धि बंधी हुई थी, यूरेथ्रा में सूजन, मूत्र त्याग करने में समस्या होना, लीवर में सूजन थी, पेट में जलन होना, आंतों में घाव बन रहे थे, मस्तिष्क सुन्न हो जाना, कूल्हे में सड़न हो रही थी, भोजन नली में घाव बन रहे थे, किडनी में इन्फेक्शन, पैरों में कमजोरी रहना, रक्त दूषित हो रहा था, गुदा द्वार में सूजन थी और घाव बन रहे थे, प्रोस्टेट में घाव बन रहे थे, सुनकर पूरा ना समझने देने वाली स्मृति थी, श्वास लेने में भारीपन महसूस होना, अंडकोष में घाव बन रहे थे, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृति थी, जॉन्डिस की स्मृति थी, कैंसर की स्मृतियाँ थी, रेक्टम में, हड्डियों में, रक्त में, श्वास नली में, यूरिनरी ब्लैडर में और लीवर में। घबराहट होना, बेचैनी होना, उलझन होना है, ये सब नष्ट हो गई। किडनी ऐसे आपकी खराब हो रही थी, किडनी में सूजन हो गई थी, पेशाब रुक रुक करके आता था, यूरेटर नली बंद हो रही थी और यूरेथ्रा में भी सूजन आ रही थी। हार्ट अटैक की स्मृति थी, आर्टरीज ब्लॉक हो रही थी, हार्ट के वॉल्व में सूजन हो रही थी, चलने में थकान हो जाती थी और हार्ट की कार्य क्षमता धीरे धीरे कम होती जा रही थी। ये सब नष्टीकरण हुआ है। कल एक महावन कर लेना दरबार की ओर से निशुल्क है, तो तीनों लोग उसमें रहिएगा संकल्प में, तीन लोग, ताकि असाध्य रोगों की स्मृतियां भी नष्ट हो। खुश। बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी, जरूर हमने कोई पुण्य का काम किया है जो मैं और मेरे परिवार आपके समक्ष खड़े हैं। खुश रहो बेटा, ये दुनिया ही पुण्य से चल रही है। पुण्य और पाप दो ही चीजें हैं, उसी से चलती है। जी बाबा जी, आने की तो बहुत इच्छा थी, बहुत इच्छा थी। एक वर्ष से यूट्यूब से जुड़े हैं हम। बिल्कुल बेटा। और चार पाँच महीने हो गए नमन की प्रक्रिया हमने अपनाई थी। पुण्य शब्द का जो अर्थ है, पाप और पुण्य कुछ डिवाइड नहीं है। किसी के लिए जो पाप है दूसरे के लिए पुण्य है। कोई मांस खाता नहीं, पुण्य कमा रहा है, कोई बलि दे रहा है उसको पुण्य मान रहा है, पाप को ही पुण्य मान रहा है। तो ऐसा कुछ डिवाइड नहीं है पाप पुण्य। पुण्य का अर्थ है समझदार होना, पाप का अर्थ है ना समझ होना। ना समझी में किए जाने वाले काम पाप कहलाते हैं, जो बिना समझ बूझ के किए जाते हैं। अप्राकृतिक कार्य कर रहे हैं मतलब पाप है, प्राकृतिक कार्य कर रहे हैं मतलब पुण्य है। हाँ, तो आपने जो भी पुण्य अर्जित किया अच्छे काम करके आप लोगों ने परिवार को, तो दरबार मिलता ही है, ईश्वर की शरण मिलती ही है, बाबा जैसे पूर्ण गुरु की शरण मिलती है। हमें तो ये अभी तक मतलब मालूम नहीं हुआ कि हम दरबार आए और एक दिन से अनुष्ठान कर दिए, मतलब एक सपने के जैसा लग रहा है। अब आप लोग एक ही दिन में स्वस्थ होते हैं, एक ही दिन में आपको लगता है कि हम कैसे बदल गए एकदम से, हैं? अपने आप को सब अच्छा अच्छा महसूस करते हैं, अच्छी एनर्जी होती है। अगर आप नकारात्मक नहीं रहते हैं, नकारात्मक विचार आपके अंदर नहीं आए इसके बाद, आप हमेशा स्वस्थ बने रहते हैं। सब पॉजिटिविटी है, ये सब आपके बेटा तमाम कष्ट थे ये दरबार ने सब नष्ट किए। किडनी में इन्फेक्शन, गंदे सपने, गंदे स्पंदन होना,
आंखों में धुंधलापन, पेट में दर्द होना, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियां थी, श्वास फूलती थी, छाती में जकड़न होना, यूट्रस में सिस्ट बन रहे थे, मासिक संबंधित कष्ट होना, ओसीडी की स्मृतियां थी, ओसीडी का मतलब गंदा दिखना, गंदा होना, परिवार के सदस्य को देख करके नफरत होना, चिढ़ होना, बात करने का मन ना करना, अकेले रहने का मन करना, रीढ़ की हड्डी में गलन हो रही थी, आंतों में सूजन थी और फटन होना, डीएमडी की स्मृतियां थी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियां थी, घुटनों में दर्द और सूजन था, भगंदर की स्मृतियां थी, छाती में जलन होना, कैंसर की स्मृतियां थी, यूट्रस में, गॉल ब्लैडर में, कोलोन में, किडनी में, लीवर में और श्वास नली में। और कोई चिंता भी नहीं, बाबा माँ के शरण में आ गए हैं। कोई चिंता नहीं, जुड़े रहना है बाबा माँ से, बाबा जी बस मांगते रहना है कबूल से, जैसे पिता से मांगते हैं बच्चे, माँ से मांगते हैं बच्चे, वैसे हैं। बाबा जी और एक बात, मेरे सर से बहुत ज्यादा पसीना आता है। अच्छा था वो अच्छा था। गंदगी चार तरह से ही निकलती, पसीने से, ब्रीदिंग से, नाक से श्वास के द्वारा, मल और मूत्र से, यही चार सिस्टम है जो सूत्र है जिनसे गंदगी जाती है। लेकिन इतना ज़्यादा जाने का अर्थ होता है कि गंदगी ज़्यादा है शरीर में, है ना। अभी सभी ये सब खत्म, अभी लेपन आदि करेंगे आप बिल्कुल फर्स्ट क्लास अच्छे बनेंगे, खुश रहिए। खुश रहिए बाबा जी, बच्चे हमेशा खुश रहे, बच्चे बोल रहे हैं बाबा जी। बाबा जी आपको कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। आप कैसे हैं बाबा जी? एकदम आनंद में। बाबा जी हमें, मुझे स्वस्थ कर दीजिए। आप कुछ अस्वस्थ हो तो बताइए, बचा हो कुछ तो वर्तमान में, भूतकाल नहीं, भूतकाल नहीं, प्रेजेंट टाइम में आपको एक कष्ट आपको बचा हो तो बता सकते हो? नहीं है। श्वास लेने में तकलीफ होती थी पहले? नहीं। यहाँ पे कष्ट होता था चेस्ट में? हाँ। वो श्वास लेने में ही तकलीफ थी क्योंकि आपके लंग्स डैमेज हो रहे थे, फेफड़े हैं, इसलिए। अब आप एकदम ठीक है, आप गहरी गहरी श्वास लेके देख सकती हैं, अब आपको कोई ब्रीदिंग करने में प्रॉब्लम नहीं, कोई चेस्ट में प्रॉब्लम नहीं। खुश। मोबाइल देखने का मन कर रहा है? नहीं बाबा जी। पढ़ने का मन? हाँ बाबा जी बहुत कर रहा है। ठीक, खुश हो बाबा जी, कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए हीरो। आप कैसे हैं? एकदम आनंद में है। आप ठीक हो? यस। मोबाइल देखना है? नहीं। वेरी गुड। पढ़ने का मन कुछ कर रहा है? बहुत ज्यादा हो रहा है। बहुत ज्यादा हो रहा है। आपको क्या लग रहा है, आप कितने परसेंट नंबर ला सकते हो आप? 100 out of 100। यस। बहुत बढ़िया, खूब खुश रहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, आप ऐसे ही सब हैं। बच्चों में इतना कॉन्फिडेंस दिया गया है कि खूब पढ़ेंगे जम के और 100 में 100 नंबर लाएंगे, ये इनका संकल्प बन गया है। खूब खुश रहिए, प्रसन्न बाबा जी। हाँ? आपको मैं नहीं अपने दिल के अंदर रखता हूँ। आप सब मेरे हृदय में रहते हो। खूब खुश रहिए, खुश रहिए बेटा, प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। महावन इसको, बच्चे को पुण्य दे दें, इसको इसको खड़ा करो, हीरो को। आप बेटा आंखें बंद करो, अकेले ओम, इस बच्चे को एक दूसरी महावन के पुण्य, इसको ना देखो। आप आंख खोलो बेटा, आप पापा को खड़ा करो, आप आंखें बंद करो, इनको एक दूसरी माँ उनके पुण्य का अंश प्रदान किया जाए, शिव दरबार की ओर से सक्रिय कर दिया जाए। ससुर एक दूसरे अमल प्राण प्राप्त हो, पुण्य प्राप्त प्राण। 5-7 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। नेत्र खोल के बंधन खींच लीजिए 7 बार। बेटा जब संकल्प हो महावन का तो आप खड़े होकर के अपना संकल्प कर लेंगे, आपके पास पुण्य है और धर्म पत्नी आपकी महावन कर लेंगी दोनों बच्चों का, और अपना संकल्प लेकर के तीन ही लोग रह सकते हैं उसमें, तो अब चारों के पास पुण्य रहेगा एक दूसरी महावन का। ठीक है, खुश हो।
खूब खुश है। दोनों बच्चे सी फूड खा सकते हैं दोनों? क्या खाना है? सी फूड खाना चाहते हैं। सी फूड? सी फूड्स? हाँ, ये दोनों। अगर आप उसके बिना नहीं रह सकते हैं तो खा सकते हैं। उन बच्चों से पूछो सी फूड्स खाने का मन कर रहा है, पूछिए। दोनों खड़ा करिए, खड़ा करिए, आंख बंद करके देखिए सी फूड्स आपके सामने, खाने की कोशिश करिए, देखो खा पाते हैं। नहीं खाना सी फूड्स आपको? नहीं खाना। तो फिर अब आप कैसे खिलाओगे दोनों को? उसको तो सोच के उल्टी आ रही है, बच्ची को लग रहा है उल्टी जैसी। हाँ, हाँ। तो फिर कैसे खिलाओगे आप सी फूड्स? बहुत बदलना, सब छूट जाता है, कुछ नहीं खाते। यही कहा जो प्राकृतिक चीजें, फिर आप वही कर पाएंगे, आप प्राकृतिक कुछ भी नहीं कर पाएंगे। खुश रहिए, प्रसन्न।